क्या आपका इशारा एक तरह से वाम दलों के किसान संगठनों पर है? आपका कहना है कि वो दबाव बाकी संगठनों पर बना रहे हैं जिसकी वजह से कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है? देखिए वो भी है और अलग अलग प्रकार के, अभी मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं इतने अलग अलग तत्व वहां दिखाई पड़ते, कोई खालिस्तान जिंदाबाद का नारा वहां लगा रहा है, कोई अलग अलग झंडे फड़का रहा है, कोई जिस प्रकार की राजनीति वहां कर रहा है, और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट तो है ही है, सारे लोग वहां पर है। तो कुल मिलाकर जो किसानों का आंदोलन है उसको कुछ लोग हाईजैक करना चाह रहे हैं, और वहां पर उस आंदोलन में आप देखिए पहले दिन जितने बड़े पैमाने पर किसान वहां थे आज वो दिखाई नहीं पड़ते। कई किसानों के ये ध्यान में आया कि हमारा उपयोग किया जा रहा है, हम तो शुद्ध मन से आए, लेकिन ये लोग हमारे आंदोलन में घुसकर हमारे कांधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, तो कई किसान लौट गए, वो वहां पर नहीं है। पहले दिन की संख्या और आज की संख्या आप स्वयं देख सकते हैं। इसलिए ये सारे के सारे तत्व जो है ये एक प्रकार से सोल्यूशन की जगह जितना ज्यादा इसको खींच पाए, जितनी ज्यादा अराजकता फैल पाए, ये प्रयास वो कर रहे हैं। किसानों की हर मांग के ऊपर केंद्र की सरकार बातचीत करने को पूरे तरीके से तैयार है, हमारे लिए कोई ईगो की बात नहीं है। किसानों के हित में दो कदम आगे आना पड़े या दो कदम पीछे जाना पड़े, हमारी सरकार तैयार होगी, बशर्ते केवल राजनीति के लिए अगर ये किया जाएगा तो मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार कोई अपना निर्णय वापस ले।